हेलो, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो रिगार्डिंग यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज अबाउट यूनिवेरिएंट, वेरिएंट वेरिएंट नहीं है, वेरिएट है, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो व्हाट इज यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन? दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर डेटा साइंस। ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन डेटा साइंस प्रोजेक्ट। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पैरामीटर्स फॉर आवर मशीन लर्निंग मॉडल विच विल गिव द मिनिमम लॉस वैल्यू। जो हमें मिनिमम लॉस वैल्यू देगा भाई साहब, देयर कैन बी अ सेवरल वेज ऑफ मिनिमाइजिंग द लॉस फंक्शन। बहुत सारे तरीके हैं, हाउ एवर जनरली वी यूज वेरियंट्स ऑफ द ग्रेडियंट मैथड फॉर आवर ऑप्टिमाइजेशन। जनरली तो हम इसे ही यूज़ करते हैं, वेरिएशंस ऑफ जो ग्रेडियंट मैथड्स हैं इन सबको हम यूज़ करते हैं। सो आज हम सीखेंगे यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन को, कि ये क्या है भाई, यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ठीक है, तो यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यार, याद करो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था तुम्हें आज। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और मल्टीपल, एक से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएंट क्या है, यानी बताया आज तुम्हें। ठीक है, तो उसके आधार पे वो सब देखो, मतलब मेरी पुरानी वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें कवर करवा रखी हूँ। सो सिंगल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं वहाँ, और ये बेसिकली वेरिएबल बोल सकते हो या फीचर भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या है कि हम फाइंड कर रहे हैं ऑप्टिमल, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी उसकी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मतलब बात है, मान लीजिए कि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सैलरी है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए कि ये सही से अपनों को आंसर दे, इसके लिए सैलरी के लिए आंसर दे। ओके, और ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पॉइंट आउट करते जाएं। इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल वाइल कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स फिक्स्ड। जो दूसरे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको फिक्स्ड कर दो आप, सिंगल वेरिएबल को आप मतलब वो करो आप, कि इसके रेस्पेक्ट में आप काम करो। इन यूनिवेरिएंट एनालिसिस जनरली देयर इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइक द प्रॉफिट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, और डिटरमाइनिंग द मिनिमम और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। सो द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन इज वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइजिंग एफएक्स। मिनिमाइजिंग, हम किसको मिनिमाइज कर रहे हैं, एफएक्स को, किसके रेस्पेक्ट में भाई साहब, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज नथिंग, जस्ट एन यूनिवेरिएंट। ओके, सो सब्जेक्ट टू अ, ये जो एक्स है वो कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच वेरी कर रहा है, आपका जो एक्स है वो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन वेरी कर रहा है, वहां पर एफ एक्स क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, एक्स आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और एक्स जो हो गया वो आपका हो गया डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल, और ये जो है एक्स है वो वेरी कर रहा है आपका, ये ए से तो बड़ा और बी से बड़ा है, ये वाली बात होगी कंस्ट्रेंट, हमें कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट लगा दिया हमने। ठीक है, सो अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो यूनिवेरिएंट है वो जनरली इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये बेसिकली, इसके लिए लाइक प्रॉफिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर डिस्टेंस हो गया बिटवीन टू प्लेसेस, या फिर हम डिटरमाइन कर रहे हैं मिनिमम को या फिर लोवेस्ट वैल्यू को मैथमेटिकल फंक्शन में। यहाँ पर हमने यही ना लिया कि मिनिमाइज करो, मिनिमाइजेशन इस पर्टिकुलर फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर फंक्शन का कौन सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, एक्स कैन वेरी फ्रॉम ए टू बी, ए से तो बड़ा होना चाहिए एक्स और बी से छोटा होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर ये हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया, और उस कॉन्स्टेंट में बताओ कि ये जो फंक्शन है वो अपनी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यूनिवेरिएंट को एनालाइज करते हैं।
टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास में क्या हो गया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंस्टेंट और कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मे बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, एक हो गया कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और दूसरा कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट में क्या आ गया, इन केसेस वेयर द कंस्ट्रेंट इज गिवन गिवन देयर एंड वी हैव टू हैव द सॉल्यूशन सेटिस्फाई दीज कंस्ट्रेंट्स, वी कॉल देम कंस्ट्रेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि यार आपको कहीं पे कॉन्स्टेंट दे रखा हो और वहां पर आपका जो सॉल्यूशन है उन कॉन्स्टेंट्स के आधार पे आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा हो, तो वो जो प्रॉब्लम होगी ऐसी प्रॉब्लम होगी कि जो कॉन्स्टेंट लगाकर भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपको निकाल के दे रही है। अब आप कहोगे कि यार ये सब चीज़ें कहाँ काम में आती हैं, यार कंस्ट्रेंट बेस्ड कहाँ काम में आती है, हमें कहाँ ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने कहा आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ तक जाना है आपको, लेकिन मैंने कह दिया कि आप सीधे सीधे नहीं जा सकते, फिर भी आप ऑप्टिमाइज तरीका लेके आओ। तो आपने कहा कि अच्छा सीधे सीधे नहीं जा सकते तो ऐसे कर लो, ये थोड़ा सा घूम घूम के इधर आगे पीछे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर यहाँ तक पहुँच जाओ, तो ये भी एक ऑप्टिमाइज तरीका है। तो इस तरीके से मैंने कॉन्स्टेंट लगाकर भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल लिया, उसे मैंने क्या कह दिया, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। दूसरा जो हमारे पास में है वो है अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। सो अनकॉन्स्ट्रेंट मतलब इस केस में हमारा कॉन्स्ट्रेंट जो है वो मिसिंग है, सीधी सी बात है, इसका अपोजिट कंस्ट्रेंट मिसिंग है। फिर आपका वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं तब तो यार बहुत आसान है, आपको मिल जाएगा यार, लेकिन कॉन्स्टेंट लगाकर आपको ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है वो थोड़ा सा है। सो टर्म यूज्ड इन यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन, उन टर्म्स की हम बात करें तो सेवरल मैथमेटिकल टर्म्स हैं दैट वी यूज फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजिंग अ यूनिवेरिएंट फंक्शन। जब हम यूनिवेरिएंट फंक्शन है उनको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो दीज टर्म्स आर यूज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ऊपर मैंने इसको डिनोट किया था एफ एक्स से। सो विच वी आर ऑप्टिमाइजिंग टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ इट। सो इसको ही हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और इसी के अंदर हम मैक्सिमम या मिनिमम निकाल रहे हैं, इसका हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर है डिसीजन वेरिएबल। सो डिसीजन वेरिएबल्स क्या हो गया, ये एक फीचर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं हम इसको, ये एक्स से डिनोट किया जाता है सबसे पहले। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस से बताया था उस पर्टिकुलर केस में एक्सपीरियंस था, ये एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, दैट वी आर यूजिंग टू ऑप्टिमाइज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसकी मदद से हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। फिर है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन हो गया, द फिजिबल रीजन इज द रीज इज दैट रीजन विच आर आवर फंक्शन कैन टेक वाइल सेटिस्फाइंग दी कंस्ट्रेंट यूज ऑन इट। सो फिजिबल मतलब फिजिबिलिटी से बात आ गई यहाँ पर, कि वो फिजिबल है, वो रीजन अपना फिजिबल है और उसको हम यूज कर रहे हैं जब हम सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टेंट को जो कि हम उसके ऊपर लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर समय पर, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के दौरान हम लगा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल ऑप्टिमम मतलब वो जो चीज है वो ग्लोबली ऑप्टिमम है, वो लोकल मतलब मान लीजिए कि हमारा ग्लोबल मैक्सिमम यहाँ पर इस पूरे ग्राफ में ग्लोबल मैक्सिमम कौन है, ये है, तो और ग्लोबल मिनिमम मैं इसको मनाता हूँ, ये ग्लोबल मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है। तब समझ लो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है फंक्शन, या फिर अगर यहाँ से है तो ये ग्लोबल मिनिमम। लेकिन अगर मैं इतने से टर्म के लिए बात करूँ, इतने से टर्म के लिए, तो ग्लोबल या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ग्लोबल मिनिमम कौन है यहाँ पर, वो ये, ग्लोबल मैक्सिमम वो यहाँ पर है। तो उसी तरीके से होता है ग्लोबल ऑप्टिमम। ग्लोबल रीजन इज अ पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट हैज ऑप्टिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स प्रेजेंट इन द फिजिबल रीजन। जितने भी फिजिबल रीजन में पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है उनमें से
कौन सा ऑप्टिमम वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, इट डजेंट मैटर एट ऑल। फिर उसी तरीके से हमारे पास में लोकल है, लोकल मतलब फिजिबल रीजन में देर आर पॉइंट्स इन द फिजिबल रीजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस विच इज ऑप्टिमम देन इट्स नेबर्स। ये जो है ये पर्टिकुलर ऑप्टिमम है अपने नेबर्स के आधार पे, ये एंटायर उसके आधार पे ऑप्टिमम नहीं है, ये सिर्फ अपने नेबर के आधार पे ऑप्टिमम है, तो इसीलिए इसको लोकल ऑप्टिमम बोला गया है। फिर है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो हमें पता ही है, ग्रेडियंट हमें पता ही है, क्रिटिकल पॉइंट हमें मैं बता देता हूँ, दीज आर दी वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल एट विच आइदर द ग्रेडियंट इज जीरो और इट इज अनडिफाइंड। क्रिटिकल वैल्यू या पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, जो अपनी डिसीजन वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल एट विच ग्रेडियंट जो है, या तो ग्रेडियंट जीरो होगा, जो आपका ग्रेडियंट है वो जीरो होगा, या फिर वो अनडिफाइंड होगा। मैं इसको अनडिफाइंड कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी फंक्शन का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स विल बी जीरो या फिर वो अनडिफाइंड। ग्रेडियंट क्या है, एक पार्शियली डेरिवेटिव है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू डिसीजन वेरिएबल, जो भी डिसीजन वेरिएबल है, जैसे इसके हमने डिसीजन वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया और ग्रेडियंट हो गया हमारे पास। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट स्पेसिफिक पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट फीचर, सो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ। फिर क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया था। अब है कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी 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 क्या है भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन इन विच द लाइन कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स इन अ फिजिबल रीजन ऑफ द फंक्शन लाइंस अबोव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या समझ रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी है फंक्शन की, जिसके अंदर जो लाइन है जो कनेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स के बिटवीन, ठीक है, एक फिजिबल रीजन में, मतलब फंक्शन की एक फिजिबल रीजन में जो दो लाइन कनेक्ट कर रही है, ठीक है, वो अबोव है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ग्राफ के उसके ऊपर, वो उससे अबोव है मतलब उससे ऊपर है, ठीक है, अगर वो उससे ऊपर है तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्सिटी हो गई। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ ये एक प्रॉपर्टी है फंक्शन की, जब दो पॉइंट्स के बिटवीन एक लाइन कनेक्ट कर रही है, एक फिजिबल रीजन में, फंक्शन के एक फिजिबल रीजन में, तो जब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ऊपर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ग्राफ के ऊपर जब वो लाइन आ रही है तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्सिटी, और जब वो लाइन उसके फंक्शन ग्राफ के नीचे आ रही है, जो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन ग्राफ है अगर उससे नीचे वो जो लाइन आ रही है, दो पॉइंट के बिटवीन जो लाइन कनेक्ट हो रही है अगर वो उससे नीचे आ रही है तो उसको हम कॉनकेविटी बोलते हैं, कॉनकेविटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेविटी, सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हो, तो इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले तो स्टेप्स ही हम देख लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, फिर बाद में हम इसकी नेसेसिटी देखेंगे कि इसकी नेसेसिटी ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन की, ज़रूरत क्यों पड़ी, ऑप्टिमाइजेशन की पता ही है यार हमें क्यों ज़रूरत है, लेकिन करते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, वी डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि है आपका एफ एक्स, सो दैट वी जिसे हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। फिर स्टेप टू के अंदर हम डिफाइन करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, वेदर वी वांट टू डू मिनिमाइज करना चाहते हैं हम इसको या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हम अपने इसके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं या इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके लिए कोई कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है या नहीं है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, जो कि डिसीजन वेरिएबल हम ले रहे हैं कोई भी एक्स ले रहे हैं तो इसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल तो नहीं है, कॉन्स्टेंट तो नहीं है कोई, अगर कॉन्स्टेंट है तो इसको कहेंगे कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और नहीं है तो कहेंगे अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। फोर्थ स्टेप में, स्टेप नंबर फोर्थ के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि विच ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम वी विल यूज टू ऑप्टिमाइज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो हम कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम ये करेंगे
विल डिटरमाइन टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिदम वी यूज, ये जो भी चीज लिख रहा हो ना गाइज, आप कुछ बना लो यार, इन सब चीजों के आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। सो फिफ्थ स्टेप में हम लिखेंगे कि हम अप्लाई करेंगे जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, और हम चूज करेंगे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है, लाइक द नंबर ऑफ इटरेशंस, कितने नंबर ऑफ इटरेशन करेंगे, या फिर स्टेप साइज ऑफ जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है उसकी स्टेप साइज कितनी होगी। तो ये इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस जो है क्राइटेरिया है, ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंडर में आते हैं नंबर ऑफ इटरेशंस की कितनी बार ये सब चीजें होंगी, क्योंकि हर एक इटरेशन में वो और ज्यादा ऑप्टिमाइज होता जाएगा, उसके अंदर और कम लॉसेस वगैरह रहेंगे। तो और स्टेप साइज ऑफ, ये भी इसी का ही क्राइटेरिया, स्टेप साइज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम उसकी स्टेप साइज कितनी होगी। तो ये चीजें हमें फिफ्थ स्टेप में चूज करने की जरूरत है। फिर सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सिक्स के अंदर हम ये चूज करेंगे कि भाई ये एक्चुअली लास्ट स्टेप भी है। सो हम वैलिडेट करेंगे एनालाइज को, और रिफाइन करेंगे जो रिजल्ट है हमारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम के, है ना, उसको हम रिफाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे, वैलिडेट करेंगे एनालाइज को, और रिफाइन करेंगे रिजल्ट को। पहले तो मैं कहता हूँ वैलिडेट, वैलिडेट एनालाइज, एनालाइज एंड रिफाइन, रिफाइन करेंगे किसको, रिजल्ट को, रिजल्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन को, तो हम रिफाइन करेंगे ऑप्टिमाइजेशन को। ओके, वील सी कि इफ इफ यू कैन वी बी चेंज आवर हाइपर पैरामीटर टू गेट बेटर ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स। सो ये हम चेंज करके देखेंगे कि क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि जिससे कि जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उसको हम बेटर बना सके, बेटर ऑप्टिमाइज रिजल्ट बना सके, ठीक है। सो अब जो हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस देख लेते हैं यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन की, नेसेसिटी क्या है, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस कौन कौन सी है? तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि फॉर एक्स टू बी द ऑप्टिमाइजर, या फिर मैक्सिमाइजर और मिनिमाइजर किसी के लिए भी, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन केस ऑफ यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन इज कि जो एफ डैश एक्स है, जो इसका डिफरेंशिएशन है वो जीरो होना चाहिए। सेकंड है कि एफ जो डबल डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, अगर ये मिनिमम के लिए बात हो रही है तो। मिनिमम की बात हो रही है तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात हो रही है तो ये डबल डैश इसका ये जीरो से छोटा होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। देखो उल्टा है, एफ डबल डैश अगर जीरो से पर है तो वो मिनिमम है, और जीरो से नीचे है तो मैक्सिमम है, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि अगर आपका कोई भी पॉइंट है, अगर वो जीरो से ऊपर है, जीरो से ऊपर है तो ये मिनिमम पॉइंट है। अगर ये पॉइंट, ये सब, अगर आपका लास्ट पॉइंट है वो अगर जीरो से ऊपर है, तो अगर ये लास्ट पॉइंट जीरो से ऊपर है तो फर्स्ट पॉइंट मतलब जीरो से सबसे पहला पॉइंट ये है, जीरो के सबसे पास का पहला पॉइंट ये है, तो जो भी इससे जो भी पॉइंट होंगे वो सब इससे तो ऊपर ही होंगे, इसीलिए इसको मिनिमम बोल दिया। और अगर मैं ये कह देता कि मिनिमम जो जीरो से जो सबसे पास का पॉइंट है वो ये है, ठीक है, बाकी सब पॉइंट इससे दूर हैं, तो यही इनके कंपैरिजन तो यही बड़ा हुआ ना, यही सबसे मैक्सिमम हुआ। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम के लिए ये, मिनिमम के लिए तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और मैक्सिमम के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ये तो बहुत ही आसान था यार, फर्स्ट ऑर्डर तो एफ डैश एक्स वो जीरो होना ही चाहिए उसका, ठीक है। फिर है जो मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है यूनिवेरिएंट ऑप्टिमाइजेशन का, तो
मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास fx है 3x की पावर 4, फिर 4x की पावर 3 हो गया, 12x की पावर 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो हम डैश करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर सॉरी 3, फिर हो गया आपका 12x स्क्वायर, फिर -24x। सो हम क्या करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन विच स्टेट दैट द मिनिमम अकर्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो और अनडिफाइंड। सो द इक्वेशन इज, यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हम इसकी इसकी मदद से f(x) के लिए जीरो कर लेंगे इसको, ठीक है। सो जीरो कर लेंगे तो x की वैल्यू अगर हम कंप्यूट करेंगे, यहाँ पर एक क्यूब है ना, सो x की वैल्यू दो आ जाएगी कि 1 प्लस a² आप ये करके देख लेना एक बार, ठीक है। 1 प्लस a² 3, ठीक है। हमारे पास में दो वैल्यू आ गई एक्स की, एक तो -1 और एक आ गई 2, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास में। नाउ वी नीड टू एनालाइज द नेचर ऑफ दीज क्रिटिकल पॉइंट्स टू डिटरमाइन इफ दे आर कॉरेस्पॉन्ड टू द मिनिमम और नॉट। टू डू दिस वी कैन इवेल्युएट द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ fx। हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो क्या हो गया भाई, ये जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है मिनिमम के लिए, ये इससे जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, वो हो गया 36 की पावर 2 -24x -24। जब हमने ये दो क्रिटिकल वैल्यूज डाली, तो जब x इक्वल टू जीरो डाला, एक तो x इक्वल टू जीरो भी है यार, क्योंकि वो तो उसके लिए है ही, तो x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। जीरो तो क्यों, क्योंकि ये तीन था ना, तो मैंने एक हाइपोथेसिस ले लिया जीरो, और फिर बाद में और दो पॉइंट्स और मैंने, क्योंकि तीन आएगी ना, क्यूबिक वो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यूबिक, तो एक्स इक्वल टू जीरो किया तो ये आया -24, -24। सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन को। फिर अगर मैं -1 डालूंगा तो -1 स्क्वायर 36 और फिर -24, फिर ये आ जाएगा मेरा 36, 24 से 24 कैंसिल और ये आ जाएगा 36 मेरा, ठीक है। सो उस कंडीशन में जब -1 डालूंगा तो आंसर आ रहा है 36, और 36 जीरो से बड़ा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से जब ये डालूंगा, मैं 2 डालूंगा तो वो भी शायद सेटिस्फाई करेगा ना। आएगा गाइस, 2 डालोगे तो आप 36 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस -24, सो -72, ठीक है। जब ये है, ये भी हमने देखा जीरो से बड़ा है, तो ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसीलिए ये अपना हो गया। तो हेंस जो -1 और 2 है वो एक्चुअल मिनिमाइजर है इस पर्टिकुलर फंक्शन के। सो उनकी जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, ठीक है। सो जब हम -1 डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी fx की, और 2 डालेंगे तो क्या आएगी, आप fx की रियल वैल्यू डाल के देखो। fx क्या था हमारे पास में असल में, आप ऊपर देखो fx क्या था, 3 की पावर 3x की पावर 4 -4x की पावर 3, 4x की पावर 3 -12x+3, ये 12x² + 3, ठीक है। सो ये था, अब आप इसके अंदर -1 डालो, -1 डाला ये -3 हुआ, तो सॉरी ये +3 है, ये हुआ आपका +4, तो ये हो गया आपका -12 + 3, इसको कंप्यूट करो आप 6 तो 7, तो ये आया -2, ठीक है, -2 आ गया। इसी तरीके से आप fx की वैल्यू x2 डाल के देख लेना, तो वो भी एक वैल्यू दे देगा आपको। सो ये दो वैल्यूज आपकी मिनिमम वैल्यू है, मतलब एक्चुअल मिनिमाइजर है ये दो वैल्यूज, जिसके आधार पे मिनिमम वैल्यू आपको मिनिमाइज करके दे रही है, ये ग्लोब मतलब एक ऑप्टिमम वैल्यूज दे रही है, ठीक है।
सो आई होप आप ये यूनिवेरिएंट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यूनिवेरिएंट मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पे हमें ऑप्टिमाइजेशन निकालना था। तो एक ही एक्स की वैल्यू थी, अगर यहाँ पर मल्टीपल एक्स की वैल्यू होगी तो उसको मल्टी वेरिएंट बोल देंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है ना यार, तो लिख दो यार, मैं देख लूँगा और कोशिश करूँगा आपकी डाउट की वीडियो बनाऊँ एक अलग से, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।